कलर्स टीवी के शो बैरिस्टर बाबू से नन्नी बोंदिता यानी कि औरा भटनागर की एग्जिट कंफर्म हो चुकी है और मेकर्स को मिल गई है नई बोंदिता जो कि है एक्ट्रेस आंचल साहू। जी आंचल साहू नई बोंदिता का किरदार निभाने के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। लेकिन इसी के साथ नई और पुरानी बोंदिता को लेकर जनता काफी तुलना अभी से ही कर रही है। हर किसी को औरा बोंदिता के रूप में इतने भा गए कि जनता किसी नई एक्ट्रेस को इस किरदार को निभाते देखना ही नहीं चाहते। ऐसे में शो को ज्वाइन करने से पहले नई बोंदिता यानी कि आंचल साहू खुलकर बोली हैं और उन्होंने कह दिया है कि उन्हें बोंदिता से तुलना होने पर कोई डर नहीं। सिर्फ यही नहीं बल्कि शो में अनिरुद्ध का किरदार निभा रहे एक्टर परविष्ट मिश्रा ने भी शो को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर आंचल ने औरा से तुलना पर क्या कुछ कहा है। आंचल कहती है, मुझे पता है कि तुलना तो जरूर होगी और मैं ऑनलाइन ट्रोलिंग के लिए तैयार हूँ। बस मैं आशा कर रही हूँ कि लोग अपनी लाइन न क्रॉस करें। तुलना किए जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस इन सब में मेरे परिवार को ना खींचा जाए। साफ है कि आंचल नई बोंदिता के किरदार को निभाने के लिए काफी एक्साइटेड तो है ही और ये भी कि उन्हें कंपैरिजन से कोई एतराज नहीं। वहीं दूसरी तरफ बोंदिता की रिप्लेसमेंट के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि बोंदिता की तरह ही अनिरुद्ध को भी रिप्लेस किया जाएगा, कोई और एक्टर लीप के बाद नया अनिरुद्ध बना नजर आएगा। लेकिन अब इन अटकलों के बीच परविष्ट मिश्रा ने अपने किरदार के रिप्लेसमेंट को लेकर बड़ा बयान दिया है। परविष्ट मिश्रा ने इस बात का खुलासा किया कि उनका किरदार रिप्लेस नहीं होने वाला बल्कि वो ही अनिरुद्ध का किरदार आगे भी निभाएंगे। जी इंडिया फोरम से बातचीत में प्रविष्ट कहते हैं, बोंदिता बड़ी हो रही है, ऐसे में बोंदिता को बदलना जरूरी है। अनिरुद्ध तो पहले से ही काफी उम्रदार है, ऐसे में मैं ही बड़े अनिरुद्ध का रोल प्ले करने वाला हूँ। मुमकिन है कि उम्र के हिसाब से मेरे लुक में कुछ बदलाव देखने को मिले। वैसे भी किसी भी शो के लिए बदलाव अच्छा होता है, फिलहाल मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कहानी के हिसाब से ही लुक्स में बदलाव किए जाएंगे। जानकी शो में लीप के साथ ही परविष्ट और आंचल की केमिस्ट्री आपको देखने को मिलने वाली है। वेल अब जब मेकर्स को नई बोंदिता भी मिल गई है तो उम्मीद की जा रही है कि शो में लीप जल्द ही आएगा और इसी के साथ पुरानी बोंदिता यानी कि औरा भटनागर शो को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगी। हालांकि देखना ये है कि लीप के बाद भी क्या शो को वैसा ही पसंद किया जाएगा जैसे अभी तक किया जाता रहा। आप शो में इस लिप ट्विस्ट के आने पर और नई बोंदिता पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, शेयर कीजिए अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में।